बदल जाएंगे खास से लेकर आम आदमी तक के लिए यह नियम। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। देखिए, कल यानी 1 जनवरी से साल 2024 का आगाज होने जा रहा है और नए साल की शुरुआत के साथ देश भर में इसकी धूम है। साल बदलने के साथ ही देश में कई बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। इनमें आपके बैंक लॉकर से लेकर रसोई में इस्तेमाल होने वाली LPG गैस के दाम और आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी UPI पेमेंट से लेकर सिम कार्ड तक शामिल है। तो आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं LPG सिलेंडर की। हर महीने की तरह नए साल के पहले महीने की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को देश के लोगों की निगाहें भी LPG प्राइस पर होने वाले बदलाव पर टिकी हैं। दरअसल रसोई गैस की कीमतों में होने वाले चेंज का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। बीते दिनों सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत दी थी। हालांकि रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर के दाम में लंबे समय से बदलाव नहीं हुए, ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इसके कीमतों में नए साल पर राहत मिल सकती है। फिलहाल 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की देश के महानगरों में कीमतों पर गौर करें तो राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 903 रुपए का मिल रहा है, कोलकाता में 929 रुपए और मुंबई में 902 रुपए, इसी तरह चेन्नई में 918 रुपए का मिल रहा है। दूसरी भी बात करते हैं बैंक लॉकर एग्रीमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिवाइज किया है। इसके तहत यूजर्स को फैसला लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है और ये डेडलाइन 1 जनवरी को खत्म हो रही है यानी कि कल। RBI ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपने ग्राहकों का लॉकर एग्रीमेंट संशोधित कर उसमें जो चेंजेस कराने हैं वे करा लें। अगर ये काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ यानी आज, तो आपको बैंक लॉकर खाली करना पड़ सकता है। अगर आपने भी बैंक लॉकर ले रखा है तो फिर नए लॉकर एग्रीमेंट को आज ही पूरा कर लें। 1 जनवरी की तारीख UPI पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए भी खास है। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने Paytm, गूगल पे, फोन पे जैसी ऑनलाइन पेमेंट ऐप की ऐसी UPI ID को बंद करने का फैसला लिया है जिनका इस्तेमाल पिछले 1 साल या इससे ज्यादा समय से नहीं किया गया है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अगर आपका भी कोई ऐसा UPI ID है जिसका आपने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया तो उससे तुरंत ट्रांजेक्शन कर लें, वरना आज के बाद उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पहली जनवरी से होने जा रहे बदलावों की लिस्ट में अगला टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ है। यानी 1 जनवरी से टेलीकॉम डिपार्टमेंट सिम कार्ड के कागज आधारित KYC प्रोसेस को खत्म करने जा रहा है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को नया सिम कार्ड खरीदने के लिए कागजी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अब भी ऐसे कई लोग हैं जो KYC करवा रहे हैं, लेकिन इसकी जगह अब सिर्फ डिजिटल KYC यानी eKYC अनिवार्य होगी। इसके अलावा इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन जिन लोगों ने तय तारीख तक ये काम नहीं किया था उनके पास इसे करने के लिए 31 दिसंबर यानी आज तक का मौका और है। अगर अब भी आपने ITR फिल नहीं किया तो वह लोग जुर्माना भरने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा बीमा कंपनियों के लिए नए नियम लागू होंगे और इस महीने 16 दिन यानी जनवरी में बैंक बंद रहेंगे। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।